मैदानी इलाकों में ठंड और शीतलहर अपने जोरों पर है। इसका सबसे बड़ा कारण पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी है। उत्तराखंड स्थित केदार घाटी में शनिवार को जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते चार धामों में से एक केदारनाथ मंदिर भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। केदारनाथ में हुई बर्फबारी का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में केदारनाथ मंदिर को पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ दिखाया गया है। बता दें कि उत्तराखंड के सभी पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फबारी हो रही है। वीडियो में केदारनाथ मंदिर के साथ ही आसपास की पूरी जगह बर्फ की मोटी चादर से ढकी नजर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले के औली में भी खूब बर्फबारी हुई है। हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा केदारनाथ चार धाम में से एक है। ये जगह न सिर्फ धार्मिक लिहाज से बहुत अच्छी है बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र कर जाती है। केदारनाथ धाम के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट चार धाम यात्रा के शुरू होने पर ही खोले जाते हैं। आमतौर पर हर साल चार धाम यात्रा अप्रैल या मई में शुरू होती है और अगस्त या अक्टूबर में संपन्न होती है। सर्दियों में भगवान केदारनाथ को ऊखी मठ ले जाया जाता है, वहीं उनकी पूजा अर्चना सर्दियों के मौसम में चलती है।